राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो मैं भी दर्शन करने के लिए गया, एक ब्राह्मण बन करके मैं गया, साथ में काकभुसिंडी को भी लेकर के गया। मैं पंडित जी, मेरा ये चेला, गुरु और चेला दोनों अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए, लेकिन इतनी भीड़ के लोगों ने हमें दर्शन करने ही नहीं दिया। हम लोग बाहरी थे, अयोध्यावासी सब अपने अपने दर्शन करते चले जाएं और हमें कहें कि पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। सात बार में गया और सातों बार हमको बाहर धक्के मार करके बाहर दर्शन करने का सौभाग्य ही नहीं मिला। हम दोनों निराश हो गए, क्या करें। तो हम पहुंच गए सरयू किनारे और सरयू किनारे एक युक्ति निकाली। भगवान शंकर ने कहा, काकभुसुंडी थोड़ा अयोध्या में फैलाओ कि बहुत चमत्कारी बाबा आए हुए हैं, बहुत सुंदर भविष्य बताते हैं। अब काकभुसुंडी जी जो चेले बने हुए, एक से कहा, एक ने तो दूसरे, दूसरे ने तीसरे, इतनी भीड़ होने लगी, इतने भगवान के दर्शन करने वालों की भीड़ नहीं जितना कि अपना भविष्य जानने वालों की भीड़ हो गई। और आज भी आप देखो ना, आप कथा में यहाँ पर बैठे हो, अभी पता चल जाए कि गेट के बाहर कोई भविष्य बताने वाला आया है, आप सब लोग कहाँ चले जाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ कितनी भीड़ रहती है। हमारा पर्चा निकल आए है ना, सबको पर्चे की पड़ी है। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि यही रास्ता सबसे अच्छा है, दर्शन होने का एक ही तरीका है कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए कि मैं बहुत अच्छा भविष्य फल भविष्य कथन करता हूँ। अब धीरे धीरे बात फैलते फैलते राजमहल तक पहुँची, लेकिन राम का दर्शन कैसे हो। तो भगवान शंकर ने एक युक्ति निकाली, समाधि में जाकर के राम जी से कहा, राघवेंद्र थोड़ा रो तो जिससे हमें भी आने का अंदर मौका मिले। राम जी ने कहा, क्या बात है भगवान, यहाँ माँ भी कहती है रो और आप भी कहते रो। माँ ने भी कहा था ना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। भगवान राम जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए माँ कौशल्या के सामने और कहा कि माँ देखो मैं तुम्हारा बालक बन करके आ गया हूँ। माँ ने कहा, भगवान ये तुम बालक बेटा बन करके नहीं आए हो, बाप बन करके आए हो। अरे बेटा तो छोटा होता है और तुम यहाँ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। ये शंख चक्र गदा पद्म तो बाद में माँ देती है तुम्हें, छोटे से बन जाओ। क्या करूँ, छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए, हो गया माँ, बन गया मैं तुम्हारा बेटा। माँ ने कहा, इतने से नहीं बनेगा, रोना भी पड़ेगा। भगवान ने कहा, रोना भी पड़ता है क्या। हाँ, कहा बिल्कुल, अगर तुम नहीं रोगे तो हमें रोना पड़ेगा फिर, कि देखो बेटा तो रो ही नहीं रहा, रो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। यह चरित जे गा वही हरि पद पा वही ते न पढ़ही भव कूपा। यह चरित जे गावही हरि पद पावही ते न पढ़े भव कूपा। भगवान शिव ने कहा कि भगवान थोड़ा रो तो हमें भी अयोध्या के महल में प्रवेश करने को मिले। भगवान ने कहा, क्या रोना इतना जरूरी है। तो भगवान शंकर ने कहा, भगवान यहाँ रोने के अलावा है क्या, यहाँ पर दुनिया में, इस दुनिया में रोने के सिवा रखा ही क्या है, इस दुनिया में रोने के सिवा रखा ही क्या है, फिर भी जो हंसता है समझ लो उसने जग जीता है। यहाँ सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों में भी जो हंसता है समझ लो उसने बहुत कुछ प्राप्त किया, अन्यथा यहाँ आंसू आंसू तो हैं, दुख ही दुख तो है। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, इतना भगवान राघवेंद्र रोए, इतने रोए कि चुप नहीं होते हैं। माँ घबरा गई, जो बहुत अनुभव सिद्धा जो दासियाँ थी उन्हें बुलाया, बताओ क्या क्या। सब ने अपना अपना उपाय किया, कोई उपाय वहाँ पर सफल नहीं हुआ। अंत में एक बूढ़ी दासी ने कहा, मैंने सुना है कि एक बहुत सिद्ध महापुरुष कोई ज्योतिषी आए हैं, उनको बुलाया जाए। कैसे बुलाएं, तो रथ उनके लिए भेजा गया,
भगवान शिव ने कहा कि देखो काकभुसुंडी, जिनको धक्के मार करके बाहर किया जा रहा था उनके लिए रथ भेजा गया है। रथ में बैठ करके महादेव चले हैं अपने शिष्य के साथ में, पूरे लाव लश्कर के साथ में उनको महल में लाया गया, राम जी के सामने लाया गया। और जो ही राम के सामने हमारे भोले बाबा आए, राम का रोना तो बंद हो गया, महादेव का रोना शुरू हो गया। माँ कौशल्या ने कहा देखो कितने सिद्ध महापुरुष हैं, मेरे बेटे का रोना अपने ऊपर ले लिया है। महादेव ने जो ही देखा, राघवेंद्र का दर्शन किया, आंखों में आंसू आ गए। माँ चाहती हो कि तुम्हारा बेटा कभी नहीं रोए? बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा कभी नहीं रोए, तो एक बार मेरी गोद में रख दो। और राघवेंद्र को गोद में रखा गया, बाबा की समाधि लग गई। काकभुसुंड जी कहते थोड़ा मुझे भी दर्शन करा दो ना, मुझे भी स्पर्श। भगवान शंकर ने कहा पाँव छू लो, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और शिष्य और गुरु ने दोनों ने राघवेंद्र का वहाँ पर दर्शन किया है। राघवेंद्र का स्पर्श करते ही समाधि लग गई महादेव। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्यापि सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम नवाबंधनम नयो मुक्तिर्नभीति चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। माँ मैं भविष्य फल बहुत अच्छा जानता हूँ, बताओ मेरे बेटे का क्या भविष्य फल है? माँ तुम्हारे बेटों के बेटे के पाँव में जो रेखा पड़ी है ना, ये बताती है कि तुम्हारे बेटे को बहुत यात्रा करनी पड़ेगी, बहुत यात्रा करनी पड़ेगी इस बेटे को। लेकिन माँ एक बड़ी बात है, तुम्हारा ये बेटा बहुत महान होगा, तेरे कुल को धन्य धन्य करने वाला होगा। और तेरे बेटे का जो नाम लेगा उसको परम विश्रांति मिलेगी, तेरे बेटे की कथा संत लोग गायन करेंगे और गागा करके धन्य हो जाएंगे। और माँ यहाँ तक होगा तेरा बेटा, ये इतना महान बनेगा कि इसके मंदिर तक बनेंगे। लेकिन माँ जब ये बड़ा होगा ना, थोड़ा बड़ा होगा, इसको एक साधु आकर के ले जाएंगे। साधु का नाम सुनते ही माँ को आंखों में आंसू आ गए। आप लोग भी ना बच्चों को किसके नाम से डराते हो पता है? यानी बाबा आप लोग को डराने की चीज है। आप लोगों की दृष्टि में बाबा क्या है? डराने की। बाबा का नाम सुनते ही जहां महादेव ने कहा कि एक साधु आएंगे वो ले जाएंगे, माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे को साधु ले जाएगा, क्यों ले जाएगा? भगवान शिव ने कहा अच्छाई के लिए ले जाएगा। माँ रो मत, तुम्हारा बेटा साधु के पास जाएगा ना तो लौटते उधर से बहू लेकर के आएगा। सुनते ही माँ प्रसन्न हो गए। एक माँ के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है जब उसके बेटे का विवाह होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये माँ ही जानती है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।